हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जो लेट से शुरू होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी सेंटेंस लेट से शुरू होंगे उनमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। मतलब जो सेंटेंस लेट से शुरू होंगे वो सेंटेंस दो टाइप के आपको मिल सकते हैं। पहले टाइप क्या है? पहले टाइप में आपको लेट मिलेगा, लेट के बाद ये प्रोनाउंस मिलेंगे, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, देम हो गया, हर हो गया। ठीक है, इनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का। ठीक है, या तो आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा या आपको मिलेगा ये सेकंड टाइप वाला। इसमें क्या है? लेट होगा, लेट के बाद अस होगा और अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो दो टाइप्स के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं जो सेंटेंस लेट से शुरू होंगे। ठीक है, तो इनको आपको अलग अलग ट्रीट करना है। जैसे फर्स्ट टाइप का ये सेंटेंस था तो इसका एग्जाम्पल जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, तो इसमें देखिए लेट है सबसे पहले, उसके बाद देखिए मी है। ठीक है ना, तो इन प्रोनाउंस में से कोई एक प्रोनाउन मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना है। इन प्रोनाउंस में से एक प्रोनाउन मिलेगा, तो ये मी है यहाँ पर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है आगे। ठीक है, दूसरे टाइप का सेंटेंस है तो दूसरे टाइप के सेंटेंस में क्या मिलेगा? लेट मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद अस होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए लेट अस प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे लेट है, लेट के बाद अस है, अस के बाद प्ले है। तो ये प्ले की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको आपको प्ले समझना है, PLAY। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है प्ले का। ठीक है, तो इस तरह आपको जो सेंटेंस लेट से शुरू होंगे वही दो टाइप्स में से कोई एक टाइप का मिलेगा। तो इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ये हमें अब सीखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप वाला लेट वाला सेंटेंस लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप वाले लेट वाले सेंटेंस में क्या बताया था मैंने? सबसे पहले लेट मिलेगा, उसके बाद एक प्रोनाउन मिलेगा जैसे मी, हिम, देम, हर। ठीक है, इन प्रोनाउंस में से एक प्रोनाउन मिलेगा और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे लेट वाले सेंटेंस का आपको मिलेगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ लेट वाले सेंटेंस इस टाइप के ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको ये जो वर्ब है ना इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट आपको मिल भी सकता है और इसका ऑब्जेक्ट आपको कई बार नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से चेंज करेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस है मेरा लेट मी प्ले हेयर। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, लेट में ये मी, लेट के बाद ये मी प्रोनाउन आ गया, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एडवर्ब है क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये जो प्ले वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस टाइप का जो लेट वाला सेंटेंस होगा, इस टाइप का जो लेट वाला सेंटेंस होगा और जिसमें इस ये जो लेट के बाद प्रोनाउन होगा इनमें से कोई एक प्रोनाउन मिलेगा आपको। ठीक है, इन प्रोनाउंस के बाद जो वर्ब मिलेगी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिले तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो जैसे ये ऐसा ही सेंटेंस है जिसमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है आगे। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ये जो मी है इसको आपको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो मी को सब्जेक्टिव केस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, फिर आपको मे बी अलाउड ये तीन वर्ड्स लिखने हैं, मे बी अलाउड। उसके बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद जो इस प्रोनाउन के बाद जो वर्ड्स हैं वो आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्ले हेयर था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्ले हेयर। ठीक है, लेट को ख़त्म कर देना है, लेट की जगह ही मैंने ये तीन शब्द यहाँ पे लगाए हैं, तो लेट को आपको समाप्त कर देना है। एक बार फिर सुन लीजिए, देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या देखा, मेरा सेंटेंस लेट से शुरू है, फिर देखा मैंने लेट के बाद क्या है, तो लेट के बाद अस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये मेरा जो दूसरे टाइप का यहाँ पर सेंटेंस था, मैंने यहाँ पे दो टाइप के सेंटेंस आपको बताए थे जो लेट से शुरू हो रहे हैं। एक टाइप में तो लेट के बाद इन प्रोनाउंस में से है, देखिए मी, हिम, देम और हर, और दूसरे टाइप के सेंटेंस में यहाँ पर लेट के बाद अस है, देखिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर ये प्रोनाउंस मी, हिम, देम, हर ये है और यहाँ पर सिर्फ अस है। ठीक है, ये भी लेट से शुरू हो रहा है, ये भी लेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके भी लास्ट में देखिए इन प्रोनाउंस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि उसमें लेट के बाद अस ना होके कोई दूसरा प्रोनाउन है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई मेरा सेंटेंस लेट से शुरू है और लेट के बाद क्या है।
उसके बाद अगर यहाँ पे अस ना हो के कोई और प्रोनाउन है, मी है, देम है, हर है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उन प्रोनाउंस को आपको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मान लीजिए लेट के बाद हिम होता तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही, ठीक है। यहाँ पे देम होता, मान लीजिए लेट के बाद देम होता तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। उसके बाद आपको मे बी अलाउड लगाना है, मे बी अलाउड ही लगाना है हमेशा, माइट बी अलाउड वगैरह आपको नहीं लगाना है, मे बी अलाउड ही लगाना है। उसके बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद जो इस प्रोनाउन के बाद जो शब्द लिखे हुए हैं ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है ये। उसके बाद है ये सेंटेंस, इसमें क्या है, देखिए लेट है, लेट के बाद प्रोनाउन है, ठीक है। अस नहीं है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अस के अलावा जो प्रोनाउंस है उनमें से ही आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे मी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में प्ले का ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, लेट था, लेट के बाद मी था, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके बाद एडवर्ब थी, ठीक है ना, यहाँ पे एडवर्ब थी हेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस प्ले का ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि क्रिकेट है। तो अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो, लेट के बाद अस को छोड़ करके और कोई प्रोनाउन हो, मी, देम, हर वगैरह ये, और फिर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो वर्ब का, तो आपको कैसे चेंज करना है? तो फिर आपको लेट से ही अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है लेट, लेट के बाद ये जो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट है तो आपको क्रिकेट लिखना है। उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब कौन सी, ये वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनाई मैंने। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, और बाई के बाद ये जो लेट के बाद जो प्रोनाउन लिखा हुआ है इसी प्रोनाउन को यहाँ पे लिखना है। ये प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्टिव केस में ही मिलेगा, और इसको यहाँ पे बाई के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोनों में, सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है इसमें, ये भी मतलब ये लेट से शुरू है, और इसमें जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसमें ये भी लेट से शुरू है, और इसके बाद देखिए ये वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस ना हो, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोनाउन हो, मतलब इस टाइप का सेंटेंस हो, इस टाइप का, ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइप है, इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड अगर कोई सेंटेंस है, तो आपको देखना है सब्जेक्ट है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, जैसे इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो आपको अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस चेंज करना है, मतलब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। सबसे पहले आपको लेट के बाद जो प्रोनाउन है इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, उसके बाद मे बी अलाउड यूज करना है, उसके बाद टू लिख करके और जो भी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर इस प्रोनाउन के बाद वो यहाँ पे लिख देने हैं। अगर लेट से कोई सेंटेंस शुरू है और लेट के बाद अस को छोड़ करके कोई दूसरा प्रोनाउन है, मतलब फर्स्ट टाइप वाला लेट वाला सेंटेंस है, तो उसमें आपको अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिले ऐसे, जैसे इसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लेट का प्रयोग करना है, लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये जो वर्ब मिलेगी ना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म बना के लिखनी है। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, और बाई के बाद ये जो लेट के बाद जो प्रोनाउन था इसको यहाँ पे लिख देना है, और इसको जैसा है लिखा हुआ है ना वैसा ही लिख देना है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में इसको लिख देना है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट मी स्लीप हेयर। अब यहाँ पर भी देखिए ये लेट है, लेट के बाद अस नहीं है बल्कि मी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर फिर एडवर्ब है। तो इस यहाँ पर देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा, तो मैंने क्या बताया था, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो प्रोनाउन है इसको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद मे बी अलाउड यूज करना है, मे बी अलाउड, ठीक है। उसके बाद आपको टू यूज करना है, और टू के बाद ये जो प्रोनाउन था इसके बाद जितने भी शब्द हैं ये यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है, स्लीप और हेयर, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा, मी को मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा यहाँ पे आई, उसके बाद मे बी अलाउड यहाँ पे लिखा मैंने, उसके बाद टू लिखा, और टू के बाद ये प्रोनाउन के बाद जितने भी शब्द हैं ये यहाँ पे मैंने लिख दिए। यहाँ पे मान लीजिए देम होता, ठीक है, लेट देम स्लीप एयर,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है आई की जगह फिर इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव यहाँ पे केस लिखते हैं हम, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो देम को सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दे। तो ये हो जाएगा दे मे बी अलाउड टू स्लीप हेयर। यहाँ पे मान लीजिए हिम होता तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो ये हो जाएगा ही मे बी अलाउड टू स्लीप हेयर। तो इस तरह हम इस प्रकार के लेट वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, अभी सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले लेट है, लेट के बाद देम है, ठीक है, अस नहीं है यहाँ पर भी। अगर लेट के बाद अस होगा ना तो ये सेकंड टाइप वाला लेट वाला सेंटेंस होगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था यहाँ पे, ठीक है, अगर लेट के बाद अस होगा ना तो ही सेकंड टाइप वाला होगा, अगर लेट के बाद अस नहीं होगा तो ये समझ लीजिए फर्स्ट टाइप वाला ही है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर इन सेंटेंसेस को लेकर आता हूँ। देखिए लेट देम वॉच द मैच, तो ये सेंटेंस था हमारा लेट है, लेट के बाद प्रोनाउन है, अस नहीं है, दूसरा कोई प्रोनाउन है मतलब देम है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, देखिए द मैच, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा सेंटेंस हो जो लेट से शुरू हो, मतलब लेट के बाद अस को छोड़ करके और कोई प्रोनाउन हो और उस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट लिखता हूँ, ठीक है, लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का इसको लिखते हैं, तो द मैच हो गया। उसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो लिखेंगे यहाँ पे, तो वर्ब है यहाँ पे वॉच, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। उसके बाद बाई यूज करूंगा, और बाई के बाद जो देखिए लेट के बाद जो प्रोनाउन है इसको जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखना है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, ये आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेट द मैच बी वॉच्ड बाई देम। अब लेते हैं हम लेट के बाद अस वाले सेंटेंस इसको, कि कुछ ऐसे सेंटेंस जो लेट से शुरू होंगे और जिनमें लेट के बाद अस मिलेगा, ठीक है, और अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी मिलेगा, कई बार मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं अब। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है लेट अस डांस नाउ। अब यहाँ पे देखिए लेट है, लेट के बाद यहाँ पर अस दे रखा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर ये एडवर्ब है क्योंकि ये टाइम बता रही है, वैन का रिप्लाई है, तो एडवर्ब है। कुल मिला के ये जो वर्ब है डांस, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। तो जो इस प्रकार का सेंटेंस हो जो लेट से शुरू हो, उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ सजेस्टेड, ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा आपके, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। सबसे पहले तो आपको ये सेंटेंस समझना है, ये सेंटेंस भाई लेट से शुरू है, लेट के बाद अस है, और अस के बाद जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस हो तो आपको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले लिखना है इट इज़ सजेस्टेड, उसके बाद टू यूज़ करना है, और टू के बाद जो अस के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है यहाँ। जैसे यहाँ पे डांस नाउ लिखा हुआ था अस के बाद, तो मैंने लिख दिया टू के बाद डांस नाउ, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए लेट अस प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पे देखिए लेट से शुरू हुई ये सेंटेंस, उसके बाद अस है, अस के बाद देखिए वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे फुटबॉल लिखा हुआ है जो कि इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर लेट के बाद अस था, यहाँ पर भी लेट के बाद अस है, यहाँ पे वर्ब थी, यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको बहुत ही ईजी है, ऐसे चेंज करना है, इट इज़ सजेस्टेड लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, टू के बाद अस के बाद जो शब्द लिख रखे हैं वो शब्द आपको टू के बाद लिख देने हैं। लेकिन अगर अस के बाद जो वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है किसी सेंटेंस में, तो आपको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ये ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फुटबॉल, उसके बाद मुझे शुड बी यूज करना है, ठीक है, हमेशा शुड बी ही यूज करना है, और कोई मॉडल एक्चुअली यूज नहीं होगी, शुड बी यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे वर्ब है मेरे पास प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। उसके बाद बाई लिखना है, और बाई के बाद जो लेट के बाद लिखा हुआ है ना अस, आपको यही अस ही लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ऐसे आपको ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर आप ऐसे चेंज नहीं करना चाहते तो एक दूसरा तरीका भी है, वही इट इज़ सजेस्टेड वाला, आप इसको इट इज़ सजेस्टेड से भी चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये बहुत ही इजी है इट इज़ सजेस्टेड वाला, इसमें आपको क्या करना है, इट इज़ सजेस्टेड लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, टू के बाद आपको अस के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे प्ले फुटबॉल लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्ले फुटबॉल, तो ये हो गया इट इज़ सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल। तो जो जो सेंटेंस लेट से शुरू है और लेट के बाद अस लिख रखा है, उनके पैसिव वॉइस आप इट इज़ सजेस्टेड से चेंज कर सकते हैं, मतलब इट इज़ सजेस्टेड लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, और टू के बाद जो अस के बाद जितने भी शब्द लिखे हुए हैं जो भी लिखा हुआ है वो आपको टू के बाद लिख देना है, ठीक है। अगर आप इट इज़ सजेस्टेड से नहीं चेंज करना चाहते तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये प्ले के बाद, मतलब जो भी एस के बाद जो वर्ब है, इसम के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, उसके बाद शुड भी यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो लेट के बाद अस है उस अस को यहाँ पे लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो ऑप्शन मिलते हैं, चार ऑप्शंस, उन चार ऑप्शंस में से क्या पता ये इट इज सजेस्टेड वाला ऑप्शन ना हो, ये ऑप्शन दे रखा हो, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए कि दोनों तरह से इसको कैसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, लेट अस वॉच टेलीविजन। अब यहाँ पे देखिए लेट है, लेट के बाद अस दे रखा है, अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद ये देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है टेलीविजन, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो टेलीविजन लिखेंगे, सबसे पहले इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है टेलीविजन, इस टेलीविजन को लिखेंगे, फिर हम शुड बी यूज करेंगे, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब है हमारे पास वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद ये जो लेट के बाद लिखा हुआ है अस, इसको लिख देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, इट इज सजेस्टेड वाला, ये बहुत ईजी है, हमें इट इज सजेस्टेड लिखना है सबसे पहले, उसके बाद टू यूज करना है, टू के बाद जो ये अस के बाद जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन वर्ड्स को आपको टू के बाद लिखना है। तो यहाँ पे टू वॉच टेलीविजन, यहाँ पे वॉच टेलीविजन लिखा हुआ है अस के बाद, ठीक है, यहाँ पे अस के बाद क्या लिखा हुआ है, वॉच टेलीविजन, तो यहाँ पे टू के बाद आपको क्या लिख देना है, वॉच टेलीविजन, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है लेट अस हेल्प हिम। तो यहाँ पे देखिए लेट है, लेट के बाद अस है, अस के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले, लेकिन क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही हो जाएगा, उसके बाद शुड बी लिखेंगे, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, उसके बाद बाई लिखेंगे, और बाई के बाद अस लिखेंगे, ये अस लेट के बाद लिखा हुआ है, ये अस, इसको हम लिखेंगे लास्ट में, ये बाई के साथ एस लगा हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेना, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। दूसरा इट इज सजेस्टेड वाला अपने पास है ही, तो इट इज सजेस्टेड से अगर चेंज करेंगे तो इट इज सजेस्टेड लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद टू, टू के बाद ये जो अस के बाद लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये लिख देंगे, तो यहाँ पर अस के बाद क्या है, हेल्प हिम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेल्प हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लेट होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, मतलब लेट को मेन वर्ब बना करके सेंटेंस में दिया गया होता है, तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस है तो उसको आप पैसिव वॉइस में देखिए कैसे चेंज करेंगे। जैसे मेरे पास ये सेंटेंस है, सी लेट मी गो, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास वर्ब है, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये जो है ना ये बेर इन्फिनिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको चाहिए लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा आई, उसके बाद आपको क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉज यूज करना है, उसके बाद आपको ये जो लेट है ना यही लेट यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बेर इन्फिनिटिव जो है ये यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ध्यान रखना बेर इन्फिनिटिव ही लिखना है, मतलब यहाँ पे आपको टू नहीं लगाना है, अगर आप ऐसे लिख देंगे आई वॉज लेट टू गो तो ये हो जाएगा गलत, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो जिन भी सेंटेंसेस में लेट आता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में, तो वो सेंटेंस मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ सारे, ठीक है, एक बार मैं आपको सभी सेंटेंस एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि क्या कुछ आपको देखना है और किस प्रकार के हमारे लेट वाले सेंटेंस ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको टाइप देखना है कि भाई लेट वाला जो मेरा सेंटेंस है, मतलब जो सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है वो कैसा है, तो दो टाइप के ही मिलेंगे आपको लेट वाले सेंटेंस, ठीक है। एक तो लेट मिलेगा शुरू में, और लेट के बाद इन प्रोनाउंस में से कोई प्रोनाउंस मिलेगा, ठीक है। ये प्रोनाउंस देखिए कौन से हैं, जैसे हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे आई होता है, वी होता है, ठीक है, यू होता है, और ही होता है, सी होता है, दे होता है, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोनाउंस होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, आई का क्या होता है, मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस है इसमें लेट के बाद इस अस को छोड़ करके, इस अस को छोड़ करके और कोई भी प्रोनाउन मिल सकता है, ठीक है। एक तो ये जो पहला टाइप का सेंटेंस था लेट वाला, उसमें तो ये है, ऐसे देखना है, और दूसरे टाइप का जो लेट वाला सेंटेंस है ना उसमें आपको लेट के बाद अस मिलेगा, ठीक है, और इस प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यहाँ भी इन प्रोनाउंस में से कोई प्रोनाउन आ करके और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है मेरा लेट वाला सेंटेंस किस टाइप का है, उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद ये जो वर्ब है ना इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है ये भी देखना है।
तो अगर फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आपको मे बी अलाउड से चेंज करना है। आपको क्या करना है, जो लेट के बाद प्रोनाउन है इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे मी का आई हो गया, देम होता तो दे हो जाता, हिम होता तो ही हो जाता, ठीक है। उसके बाद मे बी अलाउड लिखना है और उसके बाद टू लगा करके, और ये जो मी के बाद जो कुछ लिखा हुआ है इसको आपको लिख देना है टू के बाद। इसमें तो आपको ऐसा करना है, अगर फर्स्ट टाइप वाला ही लेट वाला सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है वर्ब का, इसमें तो क्या था, ऑब्जेक्ट था नहीं, प्ले का ऑब्जेक्ट था नहीं, इसमें प्ले का ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, लेट से सेंटेंस शुरू करना है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है प्ले का इसको लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, बी के बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो लेट के बाद प्रोनाउन था वो प्रोनाउन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक तो ऐसा करना है, फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस है उनमें तो आपको ऐसे करना है। तो ये हमने देख लिए थे, फर्स्ट टाइप वाले ही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लीप का ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्या किया, लेट के बाद जो मी है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बनाया, इसको सब्जेक्टिव केस में लिखा, यहाँ मे बी अलाउड लिखा, उसके बाद टू लगा करके और मी के बाद जितने भी शब्द थे ये यहाँ पे लिख दिए। इसमें क्या था, इसमें लेट के बाद देम है, देखिए अस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देम आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके बाद इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, मतलब ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट लिख रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो आपको लेट से शुरू सेंटेंस शुरू करना है अपने पैसिव वॉइस का, तो लेट लिखना है, लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिखना है, द मैच, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई के बाद ये जो लेट के बाद प्रोनाउन लिख रखा है इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देम है तो मैंने लिख दिया देम, ठीक है। तो इसको तो आपको ऐसे चेंज करना है, और लेट के बाद अस हो, ठीक है, दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या होगा, लेट के बाद अस मिलेगा, तो उसमें आपको क्या देखना है कि जो ये वर्ब है, ठीक है ना, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको इट इज सजेस्टेड से ही चेंज करना है, ठीक है। जैसे इट इज सजेस्टेड लिखा शुरू में, उसके बाद टू लगाया, टू के बाद ये जो अस के बाद जो कुछ लिखा हुआ है इसको लिखना है टू के बाद। तो इसमें तो आपको ऐसे करना है, अगर इसका ऑब्जेक्ट दे, इसका मतलब ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे यहाँ पे प्ले का ऑब्जेक्ट दे रखा है फुटबॉल, तो आपको इसको कैसे चेंज करना है, आपको इसको ये ऑब्जेक्ट लिखना है, फुटबॉल लिखा मैंने, उसके बाद शुड भी लिखा, उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, प्ले की प्लेड, उसके बाद बाई, बाई के बाद जो लेट के बाद अस है इस अस को लिखना है लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को आप इट इज सजेस्टेड से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इट इज सजेस्टेड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, इट इज सजेस्टेड लिखा, उसके बाद टू, टू के बाद जो अस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको टू के बाद लिख देना है। तो यहाँ पे अस के बाद प्ले फुटबॉल है तो मैंने लिख दिया प्ले फुटबॉल। यहाँ पर भी ये दोनों सेंटेंस ऐसे ही हैं, आप इनको अच्छी तरह से वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेट था, लेट के बाद अस है, उसके बाद ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया टेलीविजन, उसके बाद शुड भी लिखा, शुड भी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई के बाद अस, ठीक है। आप इसको इट इज सजेस्टेड से भी चेंज कर सकते हैं, तो इट इज सजेस्टेड लिखेंगे, उसके बाद टू लगा करके और अस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लिख देंगे टू के बाद। तो यहाँ अस के बाद लिखा हुआ है वॉच टेलीविजन, तो मैंने लिख दिया वॉच टेलीविजन। नेक्स्ट देखिए लेट लिखा हुआ है, लेट के बाद अस है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये ही लिखूंगा मैं, उसके बाद शुड बी, शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, ठीक है, उसके बाद लेट के बाद अस लिखा हुआ है तो इस अस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई के बाद। या नहीं तो मैं इट इज सजेस्टेड से भी इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इट इज सजेस्टेड से चेंज करूंगा तो इट इज सजेस्टेड हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद टू, टू के बाद ये जो अस के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे टू के बाद हेल्प हिम, ठीक है। अगर लेट को एज ए मेन वर्ब यूज कर रखा हो सेंटेंस में तो आपको क्या करना है, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले देखना है क्या, तो सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद ये वर्ब मिलेगी लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद एक बेर इन्फिनेटिव मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो गया मी का आई, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर मैंने लिखा वॉज, उसके बाद ये लेट ही लिखना है और लेट के बाद ये बेर इन्फिनेटिव ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस गो से पहले आपको टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और अब आपके लिए लेट वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही आसान हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।